अगर आपको चाहते हैं, आपका अंतरात्मा चाहता है तो जीवन में जब तक तन में प्राण है तब तक पुरुषार्थ जरूर कमाना, परमार्थ अवश्य कमाना। अगर आप पुरुषार्थ कमाएंगे, परमार्थ कमाएंगे तो निसंदेह आपका पुण्य कर्म संग्रह होगा। जब पुण्य कर्म संग्रह होगा तो वो आपके लोक और परलोक में ऐसे काम आएगा, ऐसे काम आएगा जैसे किसी का बैंक में खाता है और धन उस खाते में है, आवश्यकता पड़ने पर, विशेष जरूरत पड़ने पर कहीं नहीं भागते, कहीं दिमाग नहीं दौड़ाते, तुरंत कि भाई धन की जरूरत है, चलो हमारा खाता बैंक में है और खाते में से पैसा निकाल के लाते हैं। फिर कहीं मांगने की या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से आज मौका है, वक्त है, समय है, आप आत्माओं के लिए जो ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ है, धनवान है, यश मिलना है, मान सम्मान मिलना है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, इसी तरह से उन्होंने भी शाकर हरि परमात्मा का भजन किया होगा, इबादत की होगी, त्याग तपस्या की होगी, उनको नर नारी का चोला मिला और ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ है, धनवान है, पदवान है। अगर ऐसा न करते, अगर उनका सत्य का धन सत्य के खाते में, सत्य की बैंक में ना होता, क्यों? समझ आता है वर्तमान से, संस्कार, जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है। पूर्णतया ये पक्का समझ है कि जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। अतीत का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, आज मौका है, वक्त है, समय है, वर्तमान को तपस्या बना लो, आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण निसंदेह हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान की कोख में आपका भविष्य छिपा हुआ है, वर्तमान की कोख में आपका भविष्य छिपा हुआ है। अगर आज अपने वर्तमान को नहीं संभाल पाए तो भविष्य भी खराब हो जाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। लेकिन मैं एक बात आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो क्या, जैसे आपके कमरे में, आपकी अलमारी में जो कुछ आपने भरा हुआ है, जब खोलोगे तो वही निकलेगा जो आपने भरा हुआ है। ये शरीर रूपी कमरा है, ये शरीर रूपी अलमारी है, बहुत समझना है, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। अगर आपके अंतःकरण में लोभ बसा हुआ है, लोभ बसा हुआ है, आप जहां भी जाएंगे, जहां भी बैठेंगे तो लोभ ही लोभ दिखाई देगा, और कुछ दिखाई, बहुत समझना यहां। अगर आपके अंतःकरण में मोह छिपा हुआ है तो मोह के अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार अगर आपके अंतःकरण में रोम रोम में अहम छिपा हुआ है तो अहम ही अहम बरसेगा, आपके पास दूसरा कुछ बरस नहीं सकता। अगर बर्बाद का विष छिपा हुआ आपके अंतःकरण में तो जो भी आप निकालेंगे, जो भी करेंगे, बर्बाद के तहत ही करेंगे, दूसरा कर ही नहीं सकते। मैं मेरी, अपना पराया बसा हुआ है रोम रोम में, अंतःकरण में, तो मैं मेरी अपने पराये के तहत ही आप करोगे, इससे परे कर ही नहीं सकते। और जिसके अंतःकरण में निस्वार्थ में डूब जाने के कारण गाली भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, तो वही निकालेगा, दूसरा नहीं निकाल सकता। लेकिन जब आप देवी स्वरूपा, देव स्वरूप, संत जन, भक्त जन, ऋषिवर मुनिवर, पुराना सत्य के साथ के द्वारा, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से पुराना कचड़ा छांट रहे हो, निकाल रहे हो, और आज सत्य ही सत्य अपने हृदय में भर रहे हो, परमात्मा की
भक्ति भर रहे हो, इंसानियत भर रहे हो, मानवता भर रहे हो, तो सोच लीजिए अगर जमाना भी आपको गाली दे तो आपके ऊपर असर होने वाला नहीं। जहां सत्य विराजमान हो गया, सत्य की कृपा हो गई, फिर उसे गाली गलौज, भेदभाव, संप्रदाय, ऊंच नीच, गरीब अमीर का कोई असर नहीं होता है। ये प्रभु परमात्मा शाकार हरि की विशेष कृपा मानो, विशेष दया मानो, रहमत मानो, और इसको प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास करते ही रहना। क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान से समझाया जा सकता है, लोभी को नहीं, अहंकारी को नहीं, भेदवादी को नहीं। तो लोभी तो लोभ से समझेगा, अहंकारी अहंकार से समझेगा, बनवादी बनवास से समझेगा, ज्ञानी को ज्ञान से समझा जा सकता है। लेकिन आम महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का आगमन सत्य के संग में हुआ है, अपने मन मस्तिष्क में रख लो, कभी निकलने मन देना। आपका मार्गदर्शन कोई आदमी नहीं कर रहा, कोई स्त्री नहीं कर रही, आपका मार्गदर्शन स्वयं, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन शाकार हरि करते आए, कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन विशेषकर आपका मार्गदर्शन स्वयं आप आत्माओं को राह दिखाने, रास्ता दिखाने का कार्य स्वयं शाकार हरि परमात्मा कर रहे हैं। ये दिमाग से जीवन में कभी निकालने मन देना। क्योंकि संसार में किधर भी जाना है, मार्गदर्शक का होना नितांत आवश्यक है। अब किसने किस प्रकार का मार्गदर्शक चुना, जैसा है तो वैसा ही मार्गदर्शन करेगा। पूर्व में ही परिभाषित किया जा चुका है, व्याख्या की जा चुकी है, इसलिए आज मौका है, वक्त है, समय है, मिथ्या न स्वर, भेदभाव रहित, मेमेरी रहित, छोटा बड़ा रहित, काला दोरा रहित, नन्नारी रहित, साकार हरि परमात्मा के अलावा जगत में और कोई आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो यहां देखने को मिलता है, जो आप यहां देख रहे हैं, साकार हरि परमात्मा की देन है। आप पर जो कृपा की है, आप पर जो कृपा की जा रही है, आपकी हर किसी के हाथ में, यही कहा जाता है कि पांच उंगली एक सी नहीं होती, यही कहा जाता है। लेकिन आप महापुरुषों की पांचों उंगली क्या, सब कुछ एक हो चुका। आप महापुरुष जो जुदा जुदा थे, जुदा जुदा बिखरे हुए थे, टकराव था, आज साकार हरि परमात्मा ने आपको एकत्रित कर दिया है, एक सूत में बांध दिया है, एक धागे में बांध दिया है, और आपके जीवन को धन्य बना दिया, सद्ज्ञान देकर, सद्कर्म कराकर। और आपको जीवन में क्या चाहिए और जीवन में क्या आवश्यकता है, आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा, लोहे का अंकुश होता है जरा सा, जो मदमस्त हाथी को भी कब्जे में कर देता है। ये सुना होगा भली भांति। इसी प्रकार साकार हरि परमात्मा का वचन कितना सूक्ष्म है, लेकिन कितना विशाल है, आकलन नहीं किया जा सकता। साकार हरि परमात्मा का वचन और सेवा और ये सत्य का अभ्यास, अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे, तो जब जरा सा अंकुश मदमस्त हाथी को कब्जे में कर लेता है, अगर आपने तीनों शब्दों को पकड़कर और कर्म में ढाल लिया, व्यवहारिक रूप देना शुरू कर दिया, निसंदेह आपका जीवन निहाल हो जाएगा, आप बाग बाग हो जाएंगे,
आपका जीवन खिले हुए फूल की तरह हो जाएगा और चलते ही रहे इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भविष्य बेड़ा पार हो गया। क्योंकि आप न नर है न नारी है, एक हाथ में सत्य के मसाल है, दोनों हाथ में सत्य की मसाल ले लो, खुद भी प्रकाशमान बनो और जिसको जरूरत है वो भी अंधकार से प्रकाश में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य जगत में न था न है ना ही होगा। हाँ, महापुरुषों को भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। पूर्व इतिहासों के मुताबिक जिनको जरूरत रही, किस किस रूप में प्रतीक्षा की है, त्याग तपस्या की है और सांसारिक कार्यों के लिए आप किस किस के पीछे भागते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, फिर भी उनका दर्शन नहीं होता। आज के वर्तमान काल में तनिक आप अंतःकरण शुद्ध करते हुए और साकार हरि परमात्मा का सत्य का साथ करें, वचन मान के सत्कर्म करें तो तुरंत देवी स्वरूपा का दर्शन होता है, देव स्वरूप का दर्शन होता है, संतों का दर्शन होता है, ऋषभ मुनिवर का दर्शन होता है और 100 डिग्री पर जब जल गर्म होता है तभी जल में उबाल आता है। इस रूप में अगर आपकी भक्ति गर्म है तो साकार हरि परमात्मा को अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन देने में देर नहीं करते। ये मैंने क्यों कहा? शासन प्रशासन के कागजों में, रजिस्टरों में फाइलें खुली हैं और मुझे इसी क्रिया के लिए धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, अंबा और ये बहा औरैया, ये पूरा क्षेत्र दो दो तीन तीन बार इस क्षेत्र के महापुरुषों ने बुलाया और हम भी हरतारा चौकीदार बनकर पहुंचे और वहां इन समस्त क्षेत्र में पूरे इलाके में मानवता भाईचारे का संचार हुआ, परमात्मा साकार हरि की भक्ति का संचार हुआ और मानव मानव को गले लगा रहे हैं, मानव मानव से प्रेम कर रहे हैं। जिस क्षेत्र को शासन प्रशासन के कागजों में एक बेहड़ के नाम से जाना जाता है और यहाँ तक जाना जाता है कि किन्हीं कारणों से किन्हीं के भाई, किन्हीं के बेटे, किन्हीं के चाचा, किन्हीं के पिता, किन्हीं के ताऊ, किन्हीं की बहन बेटियां ऐसे कारणों से निकल पड़े, भटक गए, जिन्हें इस बेहड़ में आना पड़ा और इस बेहड़ में पड़े रहे, किन कारणों से क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया। कहा भी जाता है कि मरता है तो क्या नहीं करता है। अब जो लोग अपराध जगत में मुड़े अवश्य उनको कहीं न्याय नहीं मिला होगा, उन्हें दबाया गया होगा, उनकी बहन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा और जहां जहां गए उन्हें मदद नहीं मिली, उनकी सुनी नहीं गई, तो उन्होंने सोच लिया कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज का दौर है, आज की जो स्थिति है, समस्त जनमानस ग्रामीण अंचलों का सो शहरों महानगरों जहां भी आप प्रवास करते हैं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए और साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। आपने दुनिया में किसी का सहारा लिया, मदद नहीं मिली, पलट दबाया गया, लूटा गया, दुर्व्यवहार किया गया होगा, तब आपने राइफल पकड़ी होगी, बंदूक पकड़ी होगी, बेहड़ में छलांग लगाई होगी। आज उस तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। जो साकार हरि परमात्मा का सहारा ले लेता है वो कभी
बुरी सोच नहीं रखता, बुरे कर्म नहीं करता, बुराइयों की तरफ नहीं जाता, व्यसनों में नहीं डूबता और भेदभाव में भी नहीं जाता। वह इंसानियत धारण करते हुए, मानवता को धारण करते हुए और समस्त समाज में एक खिला हुआ फूल बनने की कोशिश करता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही बुरा करता है, क्योंकि किसी को देखे ना देखे तनिक समझने का प्रयास करेंगे। आप आपकी बहन बेटियां आती हैं, आपके बच्चे आते हैं, छात्र छात्राएं हैं, किसान नौकरी करने वाले जन व्यापारी जो भी हैं, जिन्होंने सत्य का साथ किया और एक एक शब्द को मन लगाकर सुना, ठीक से सुना, कर्म में ढाला, आज वो जीवन में उनको अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है और संसार के तौर पर भी धन धन से भी परिपूर्ण है। परिवार में सुख है, चैन है, शांति है और जो पुराने व्यसन लगे हुए थे, चाहे वो तामसी पे हो, तामसी खाद्यान्न हो, जो भी बेकार हो, मैं मेरी अपना पराया, भेदभाव का विष, अहंकार का पहाड़, ये सब कुछ सत्य के साथ में आने से धराशायी हो चुके हैं और एक इंसान ने जन्म ले लिया है, एक मानव ने जन्म ले लिया है। जहाँ इंसान ने जन्म ले लिया, जहाँ मानव ने जन्म ले लिया, तो आपको ये भी जानकारी है, मुझे महापुरुषों ने जानकारी दी है कि जो विष्णु में डूबे हुए थे और अब गुणों में अब गुण धारण किए हुए थे, परिवार बर्बाद हो चुके थे, परिवार उजड़ चुके थे, जब से उन परिवारों ने सत्य का साथ किया है, मन वचन कर्म से आज उजड़े हुए परिवार आबाद हो चुके हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, दोनों समय भोजन भी भली भांति ग्रहण करने लगे हैं, अंग पर वस्त्र भी धारण कर रहे हैं और सर छुपाने को झोपड़ी भी प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि अगर नियत सावधान है तो मंजिल आसान हो जाती है, और नियत सावधान नहीं, कितने धनवान हो, कितने पदवान हो, जब गिरोगे, ऐसे गिरोगे, दोबारा उठना संभव नहीं होगा। ध्यान रखो, मुझे मंदिर भी जाने का मौका मिलता है, मंदिरों में भी मैं जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, गिरजाघर में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, जहाँ जो पुकारता है मैं वहीं पहुँच जाता हूँ, और नहीं पुकारता है तो मेरे जाने का मतलब ही नहीं। खेत में पुकारने वाला खेत में पुकारता है तो हम तो खेत में भी पहुंच जाते हैं, कोठी में पुकारने वाला साकार हरि को कोठी में पुकारता है तो कोठी में भी पहुंच जाते हैं, झोपड़ी में पुकारने वाला